ये कहानी है उस महिला की जो कि जा पहुंची बेंगलुरु से मुंबई के रेड लाइट एरिया में। नमस्कार, मेरा नाम है वैष्णवी सौरत, आप मेरे साथ देख रहे हैं तिरछी बात यूट्यूब चैनल। ये कहानी उस महिला की है जो कि अपने परिवार में, जिसकी अभी नई नई शादी हुई है, जो अपने परिवार में बहुत हंसी खुशी से टाइम गुजार रही है, जिसके पति साहिल, उसके पति का नाम साहिल है, जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं, और उनके सास ससुर, एक हंसी खुशी परिवार होता है। एक दिन उसके हस्बैंड को कॉल आती है, उसका हस्बैंड साहिल है, कि आपको कंपनी के थ्रू मुंबई जाना है। तो साहिल कंपनी के थ्रू मुंबई जाता है। फिर कुछ समय बाद उनकी शादी को अभी 2-3 ही महीने हुए थे, उनको लगता है कि ना मैं अपनी वाइफ को बुलाता हूँ, जिसका नाम था तानिया। वो तानिया को कॉल करता है, कहता है क्या तुम मुंबई आना चाहती हो। तानिया कहती है क्यों नहीं आना चाहती, मैंने तो मुंबई को अब तक फिल्मों में ही और टीवियों पे ही देखा है। वो एकदम खुश हो जाती है, खुशी के मारे वो अपनी बैग पैकिंग करने लगती है। सास ससुर को कहती है कि मम्मी पापा मुझे साहिल ने बुलाया है। वो सास ससुर कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, आप जाओ और घूम के आओ। फिर वो कहता है कि मैंने तुम्हारी 17 अक्टूबर 2011 को तुम्हारी रिजर्वेशन कर दिया है, तुम उस बोगी नंबर में बैठ जाना और यहाँ पे आ जाना, यहाँ से आपको मैं पिकअप कर लूंगा। तानिया जाकर सुबह सुबह अपना सारा काम निपटाती है, बहुत हंसी खुशी, उसके दिल को बहुत खुशी मिलती है। वो कहती उसके ससुर जी उसको छोड़ने के लिए बोगी नंबर जहां जा उसकी सीट लगाई है, वो उधर उस जा में जाकर बैठ जाती है। फिर वो कुछ देर ट्रेन चलती है तो अपने सास ससुर को कॉल करती है कि मम्मी पापा मैं ठीक से बैठ गई हूँ, आप अपना ध्यान रखना, अपने खाने पीने का पूरा ध्यान रखना। फिर थोड़ी ही देर बाद वो अपने पति को कॉल करती है, पति को कहती है कि जी आप चिंता मत करना, 1000 किलोमीटर का रास्ता है, 15-16 घंटे तो लग ही जाएंगे और मैं आपके पास पहुंच जाऊंगी। एक जाने की नई उमंग थी, उसको अपने हस्बैंड से मिलना था। वो बैठ जाती है, पति कहता है तू मेरी चिंता मत कर, तू अपनी फिक्र करना, किसी के हाथ का कुछ लेना मत, किसी से बातें मत करना। ये उसकी एडवाइस थी और ये सही भी थी, जहां तक है ये सही भी थी। वो बैठ जाती है, उसकी सामने वाली सीट पर दो बंदे और बैठे हैं जो उसकी बातें सुन रहे हैं। वो कहते हैं कि बहन क्या आप नए नए जा रहे हो ट्रेन में, नए नए बैठे हो। कहती है भाई ट्रेन में तो मैं कई बार बैठी हूँ, लेकिन मैं आज मुंबई पहली बार और अकेली जा रही हूँ। यहाँ उसने अपना वीक पॉइंट दे दिया कि वो अकेली जा रही है। वो जो दो बंदे होते हैं वो कहते हैं कि बहन आप चिंता मत करो, हम आपके साथ हैं, अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो हमें बताना, हम आपकी हेल्प करेंगे। वो कहती है नहीं भाई, आगे मेरे हस्बैंड जी है, वो मुझे पिकअप कर लेंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर वो कुछ खाना पीना खाते हैं, वो कहते हैं बहन खाओगी। वो कहती है नहीं मैं कुछ नहीं खाऊंगी, मैं अपने साथ लाई हूँ। फिर वो अपने घर से जो नाश्ता बना के लाती है वो ट्रेन में करती है उस नाश्ते को, तो वो एक इंसानियत के नाते उन दो बंदों को कहती है कि भाई आप कुछ खाओगे, तो वो दोनों बंदे उसके लंच में से कुछ खाने पीने के लिए ले लिया करते हैं। वो जैसे ही खाने पीने के लिए लेते हैं, फिर दो स्टेशन बाद वो कहते हैं कि बहन आप चाय पियोगी, हम चाय पीना चाहेंगे। वो कहती है नहीं भाई मुझे चाय नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी वो 2 कुल्हड़ की जगह 3 कुल्हड़ चाय लेके आए, जो कि उन्होंने तानिया को जबरन पिला दी। वो चाय पीते हुई तानिया बेहोश होकर अपनी सीट पर गिर जाती है, और जब तानिया की आंखें खुलती हैं तो तानिया अपने आप को एक गाड़ी में पाती है जो कि बहुत स्पीड से चली हुई है। एक बंदा उसको चला रहा है और दो बंदे उसके पीछे बैठे हैं जो उसको बोगी में मिले थे। तानिया देखकर बेहोशी की हालत में उठती है और कहती है कि भाई मैं कहाँ हूं, तो एक बंदा उसके कान पर एक थप्पड़ मारता और कहता है चुप रहो बाद में बात करेंगे। और वो फिर बेहोश, उसकी हालत इतनी खराब होती है कि वो थप्पड़ खाते ही बेहोश होकर फिर गाड़ी की सीट पर गिर जाती है। फिर जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो एक मुंबई के रेड लाइट एरिया के कोठे पर अपने आप को पाती है, जहां उसका सौदा चल रहा है। सौदा हुआ, उनकी बातचीत हुई, उनका सौदा, तानिया का जो सौदा हुआ वो हुआ 45,000 में। ये कितनी निंदनीय बात है कि एक जीते जाते इंसान का 45,000 में सौदा किया गया। इसके बाद तानिया होश में आती है और उन दो बंदों के पैर पकड़ती है, भाई आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे यहाँ से निकालो। तो वो उसको ठोकर मार के और पैसे लेकर वहां से चले जाते हैं। उस कोठे की जो मालकिन होती है वो सुनीता, सुनीता नामक महिला होती है, जो सुनीता पुजारी होती है, वो उसका बहुत बड़ा रैकेट था। तानिया को वो कहती है कि मैं यहाँ नहीं रहूंगी, उसने उसके हाथ मेहनती जोड़े, लेकिन वो सुनीता तिवारी थी, कोठे की जो
रैकेट चलाने वाली महिला थी, उन्होंने उसको एक कोठरी में बंद कर दिया और उनको इतना टॉर्चर किया, इतना मारा पीटा, लेकिन वो इस काम को करने की, जो तानिया थी वो इस काम को करने के लिए राजी नहीं थी। फिर उधर उसके हस्बैंड फोन करते थे तो उसका फोन स्विच ऑफ आता था, पति परेशान था। उसने उसने सारी कहानी पुलिस वालों को बुलाई, एफआईआर दर्ज किया। फिर उसने बेंगलुरु जाकर भी स्टेशन पे वीडियो देखा तो सीसीटीवी कैमरे की वीडियो देखी तो तानिया बोगी में चढ़ी तो सही थी, लेकिन जहां उस स्टेशन पे उसको उतरना था वो वहां पे नहीं उतरी। फिर तानिया को धीरे धीरे 7 से 8 9 10 15 15 दिन निकल गए। तानिया को रोज टॉर्चर, इतना मारा पीटा जाता था, खाने को नहीं दिया जाता था। फिर एक दिन उसको एक कस्टमर ने पसंद किया, कोठे पे एक कस्टमर ने उसको पसंद किया, कस्टमर ने पसंद किया उसको, तो वो कहता है मुझे यही चाहिए तानिया ही। फिर जो सुनीता थी, सुनीता बोली कि अपनी लड़कियों से बोल दी, जो कोठे पे और भी लड़कियां थी, कि इसको समझाओ और इसको तैयार करो। तानिया फिर थक कर हार कर पिट पिट कर वो तैयार हो जाती है, वो कहने लगती है, फिर वो तैयार हो जाती है, वो लड़का आता है, वो एक कमरे में बंद होते हैं, वो तानिया चुपके उसके पैर पकड़ के रोने लगती है, चुप इतनी धीमी आवाज में रोती है कि उसकी आवाज कमरे से बाहर नहीं जाती। वो कहती है भाई मुझे बचा लो, मैं यहाँ जबरन लाई गई हूँ। वो उस इंसान की मैं यहाँ तारीफ करूंगी, उसको उस पर रहम आ गया। उसने कहा बहन मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ, तो वो कहती है मेरे हस्बैंड से बात करा दो। हस्बैंड जो सोचता है कि जो तानिया एक घंटे में उसने 10 कॉल कर दी मुझे, आज उसको 15 दिन हो गए उसने मुझे एक भी कॉल नहीं किया, वो दुखी है परेशान है। तभी उसके फोन पे एक रिंग बजती है और कहती, रिंग बजती है, अननोन नंबर होता है। वो उठाता है, कहता है कौन? भाई मैं तेरी वाइफ से आपका नंबर लिया है, वो ऐसे ऐसे यहाँ पे फलानी जगह है, मुंबई के रेड एरिया में है। ये बातें बोलती बोलता है और कहता है भाई मुझे एड्रेस दे। वो कहता है कि मैं अगर यहाँ से बताऊंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। वो बाहर निकल के उसको सारा एड्रेस देता है, रेड लाइट एरिया का, सुनीता पुजारी का एड्रेस देता है। वो कहता है अगर मैं पुलिस को बताऊंगा तो ये गड़बड़ हो जाएगी, शायद वो उसको बदल दे, निकाल दे तानिया को। वो कहता है मैं खुद जाऊंगा। वो ग्राहक बन के जाता है तानिया को, तो वहां 15 20 लड़कियां खड़ी हैं जो अच्छे अच्छे वस्त्र पहन के, कोई भी उनको देखकर सम्मोहित हो जाए। तो वो सारी लड़कियों को रिजेक्ट करता है, लेकिन लास्ट में जब तानिया खड़ी होती है, तानिया को देखकर कहता है मुझे यही लड़की चाहिए। फिर वो कहता है कि मुझे यही लड़की, वो कहती है सुनीता पुजारी की ले जाओ। वो कमरे में जाते हैं, कुंडी लगाते हैं, दोनों मिलकर फिर खूब रोते हैं। वो कहते हैं, वो कहती है कि मुझे यहाँ से निकालो, मुझ पे यहाँ नहीं रहा जाएगा। वो कहता है तू शांत रह, मैं तुझे यहाँ से निकालूंगा, लेकिन अभी रुक, मैं अगर यहाँ से अब हम निकले तो ये हमें मार भी सकते हैं, इनका बहुत बड़ा रैकेट है। वो ये बात सुनकर कहती है ठीक है मुझे कैसे। फिर उसके हस्बैंड को एकदम से याद आया, उसने पुलिस को कॉल किया, मुंबई पुलिस की ईमानदारी बताएंगे यहाँ पे। वो एकदम से वहां जाके उन्होंने छापा मारा, सुनीता पुजारी को भी पकड़ा, वहां से 2 बंदे और बरामद किए, 20ों लड़की जो अपने अपने घर पहुंचाई। और उसने सुनीता उसको बेंगलुरु पहुंचाया, और जो 2 और लोग थे जिन्होंने सुनीता का सौदा किया, जो उसको बोगी में मिले थे, उनको भी पुलिस ने 2 महीने बाद धर दबोचा। यहाँ पे पुलिस की बहुत अच्छी भूमिका रही, बहुत अच्छा उन्होंने किया, बहुत सराहनीय काम किया। लेकिन एक बात ये है कि ये आधे लोग अपनी मर्जी से हैं, आधे में से 1%, लेकिन बाकी के जो लोग हैं वो लड़कियां हैं जो वो अपनी मर्जी से नहीं है। पुलिस ने उन सुनीता को तो बचा लिया, उसके पति ने, लेकिन हर किसी की इतनी अच्छी किस्मत नहीं होती कि कोई उनको बचा पाए। नमस्कार, मैं वैष्णवी सौरभ, जय हिंद जय भारत।